लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अच्छा एकादश के छात्र छात्राओं ने कक्षा द्वादश के छात्र छात्राओं को भावभीनी विदाई दी गई। उपनगर स्थित रामहर्ष इंटरमीडिएट कॉलेज निश्लोल महाराजगंज में भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का पूजा अर्चना कॉलेज के प्रबंधक एवं संरक्षक के द्वारा किया गया। इसके बाद कॉलेज के छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना की शानदार प्रस्तुति कुमारी कात्यायनी की टोली द्वारा किया गया। विदाई समारोह की इस अवसर पर कक्षा द्वादश के कक्षा अध्यापक गणेश प्रसाद विश्वकर्मा, नागेंद्र मणि त्रिपाठी, दिनेश मणि त्रिपाठी, शैलेंद्र पटेल ने बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं के उनके बेहतर अंक प्राप्त करने का सुझाव देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। कॉलेज के संरक्षक श्री राजेश प्रसाद शर्मा ने अपने संबोधन में यह बताया कि छात्र छात्राएं आज के दिन अपने दिमाग में यही रखना कि आप अपने सभी कार्यों में सही हो और यह मत भी भूलना कि सच की हमेशा जीत होती है। दूसरों को खुश करने की अपनी शक्ति का प्रयोग सभी को खुश करने में करना, न कि दुखी करने में। ठीक किसी भी बुरी स्थिति में कभी भी आत्मसमर्पण मत करना और खुद पे विश्वास रखना। कॉलेज के प्रबंधक रामहर्ष शर्मा जी ने यह बताया कि एक विचार लो और उस विचार को अपने जीवन का सार बना लो, उसी को सोचो, उसी के स्वप्न देखो, उस विचार से अपने मस्तिष्क पेशियों कोशिकाओं शरीर के हर भाग को उसे भरने दो, दूसरे अन्य विचारों को अकेला छोड़ दो, यही सफलता का रास्ता है। अंत में कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री विशंबर पांडे जी ने अपने सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं को अंगब्रस्त देकर सम्मानित किए तथा कॉलेज के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन कॉलेज के अध्यापक ब्रिजेश कुमार पांडे ने किया। इस अवसर पर कॉलेज के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कॉलेज में आप शिक्षा चार साल से, मतलब 9 to 12 यही हम लोगों ने शिक्षा लिया। क्या सीखने को मिला यहाँ? ये मतलब डिसिप्लिन, हमें अपने बड़ों से कैसे मतलब बिहेवियर करना चाहिए, हमें कैसे घर में भी रहना चाहिए, कैसे अपने पेरेंट्स से बात करना चाहिए, मतलब डिसिप्लिन बहुत अच्छे तरीके से हमें यहाँ। आज आपकी विदाई है, किसको मिस करेंगी और क्या कहना चाहेंगी? और जो आपके पीछे जो बच्चे नए एडमिशन कराए हैं और जो आपके पीछे क्लास में पढ़ रहे थे, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? हम इतना कहेंगे कि जो हमने यहाँ पे जो अच्छा मतलब अच्छा काम किया है, जो मतलब अच्छा है और जो ख़राब है, मतलब उसमें से जो अच्छा व्यवहार हमने किया है उसको ग्रहण करें और हमारी बुराइयों से कुछ मतलब उसके। स्कूल प्रबंधक का ये मानना है कि यूपी की लिस्ट में यहाँ के बच्चों का नाम है, तो आप कैसे कोशिश करेंगे और क्या ये सपना ही यहाँ के स्कूल प्रबंधक का पूरा होगा? अगर हम लोग चाहें तो ज़रूर पूरा होगा। तो क्यों चाहेंगी नहीं? क्या चाह रहे हैं, मतलब कोशिश तो अपने तरफ से हमने पूरा किया है और आगे भी करते रहेंगे। मेरा नाम अमृता कसौधन है। मैं चाहती हूँ कि जैसे हम लोगों ने यहाँ से सीख लिया है, वैसे मेरे जो जूनियर भाई बहन हैं वो भी यहाँ से सीख लें। और 4 साल का अनुभव बहुत अच्छा रहा हम लोगों का। भगवान से प्रे करूँगी कि हमेशा ऐसे कॉलेज मिले हम लोगों को जहाँ पर पढ़ाई भी और व्यवहार भी अच्छा होता है। इस अति पिछड़े हुए क्षेत्र में ये रामहर्ष इंटर कॉलेज है, पहले सरस्वती देवी के नाम से जाना जाता था। किस तरह की शिक्षा? यहाँ बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है यहाँ, ये सबसे अच्छा ही है क्योंकि हम लोग का यहीं से बहुत अच्छा पढ़ाई चलता है। इस एरिया का सबसे अच्छा स्कूल यही है। और हम लोग किसी को कोई आर्थिक सहयोग भी मिलता है इस स्कूल से? मिला बहुत ज़्यादा मिला है और हर बच्चे को मिला है। अगर हम लोग किसी सहयोग की ज़रूरत है तो हमारे सर जी हमें वो पूरा दिए आर्थिक सहयोग। कहीं पे अगर कुछ होता है, जैसे बाढ़ आया था वहाँ पे भी दिया गया था, कई जगह कुछ हुआ था। आज हमारे साथ रामहर्ष इंटर कॉलेज के वो बच्चे हैं जिनकी विदाई हो रही है इस कॉलेज से। आज इनसे हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या सीखा और किसको मिस करेंगे और क्या अनुभव इनको टीचरों द्वारा दिया गया, क्या सिखाया गया। जी आदित्य जी, आप कितने सालों से निरंतर यहाँ पर शिक्षा ले रहे हैं? हम क्लास 9 से यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आज हम क्लास 12 में हैं। आज हम लोग का विदाई है, 4 साल से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो क्या सीखा आपने और किसको सबसे ज़्यादा मिस करेंगे टीचरों में? सर, हम सबसे ज़्यादा गणेश सर को मिस करेंगे और अन्य जितने भी शिक्षकगण हैं जिन्होंने हमें पढ़ाया, हम सबको बहुत मिस करेंगे। ये शिक्षक जो हैं
ये कुम्हार की तरह हैं और हम केवल एक मिट्टी मात्र हैं। हम यहाँ पर जब आए थे तो हमारे अंदर कोई आकार नहीं था, लेकिन शिक्षकों ने हमको एक कुम्हार की तरह से गढ़ा और हमको एक निश्चित आकार प्रदान किया, और आगे भी ये लोग ऐसा करते रहेंगे। हम निरंतर इनसे जुड़े रहेंगे और इन लोगों से शिक्षा प्राप्त करते रहेंगे आगे भी। जैसे कि इन्होंने बताया कि हम शिक्षक जो है कुम्हार की तरह हैं और एक मिट्टी के रूप में हैं, तो शिक्षकों का ये सपना है कि आप यूपी में आए, यूपी के लिस्ट में आप लोग आए, तो हम लोग इसके बारे में मतलब हम लोग परीक्षा के लिए अधिक से अधिक तैयारी करेंगे और हम लोग का पूरा प्रयास रहेगा कि हम लोग आगे हम लोग यूपी के पूरे मतलब पूरा हम लोग इंडिया में हम लोग का नाम आए, हम लोग का ऐसा प्रयास रहेगा। यूपी रामहर्ष इंटर कॉलेज के साथ, रामहर्ष इंटर कॉलेज जैसे कि हम यहाँ 2 साल से पढ़ते हैं, लेकिन हमारा सबसे बेस्ट कॉलेज है तो रामहर्ष इंटरमीडिएट कॉलेज है, क्योंकि हमें अगर कहीं भी डिसिप्लिन सीखने को मिला तो हमें रामहर्ष के टीचरों के द्वारा ही मिला है। जी क्या नाम है? जी धीरज त्रिपाठी। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम मिश्रौलिया पोस्ट बैठोलिया थाना मिश्रौल जिला महाराजगंज। आप तो भगत सिंह के जैसे रखे हैं तो जी सर, बस सर मेरा सोच है कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करना, बॉर्डर सरहद पे जाके लगभग बच्चे बच्चियां मिलाकर 350 के उनके अच्छे भविष्य की शुभकामना करते हैं कि आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरी शुभकामना है। उनसे नए बच्चे तो अभी आने वाले हैं, आएंगे, उनको अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छे माहौल में रखा जाएगा, पढ़ाई अच्छी की जाएगी। जी जी हाँ, तो हम लोग हमेशा प्रयास करते रहते हैं कि बच्चे उस लायक निकलें ताकि हमारा नाम रोशन हो, बच्चे के माता पिता का नाम रोशन हो। ज़रूर होने वाला है, अब पर्दे के पीछे है, जब सामने आएगा बच्चों का तब तो बताया जाएगा। देखिए जहाँ तक पुराने अनुभवों को लेकर अगर शेयर किया जाए, इस कॉलेज से निकले हुए विद्यार्थी अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हैं, कुछ शिक्षक हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, तो आशा करता हूँ कि ये भी बच्चे सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, अपने माता पिता और विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। मोहम्मद आलम और बैजनाथ पासवान की रिपोर्ट।